Subscribe to my channel, Pocket FM Audio. आह! अचानक ही जिस योगिनी ने इराम की छाती पर त्रिशूल रखा वो चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बाकी योगिनी अचानक फ्रीज हो गई और त्रिशूल भी हवा में ही अटक गया। अचानक राम ने देखा कि एक काले कपड़े वाला योद्धा वहां पहुंचा था, जिसकी वजह से योगिनी फ्रीज हो गई थी। इसे छोड़ दो, कहते हुए उसने अचानक ही योगिनियों को अनफ्रीज किया। योगिनी उस काले कपड़े वाले योद्धा को देखकर मानो सहम गई हो, वैसे 5 कदम पीछे चली गई। अचानक राम ने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से नॉर्मल हो रहा था। 2 ही पल में राम खुद के रूप में ही था। तुम कौन हो? राम ने उस लड़के से पूछा। वो लड़का प्यार से हंस पड़ा। तुम्हारा रक्षक, चलो मेरा हाथ पकड़ो, कहते हुए उसने एक हाथ दिया और 2 ही पल में राम महाद्वार की दूसरी ओर था। कृष्णन ने दूर से उसे आता देखा। राम, कहते हुए वो खुशी खुशी उसकी ओर भागने लगा। मैं गोपाल, राम को जमीन पर रखकर काले कपड़े वाले लड़के ने जवाब दिया। राम के दिमाग में गोपाल को लेकर फिलहाल हजारों प्रश्नों की मारामारी हो रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक ही प्रश्न निकला, कौन गोपाल और योगिनी तुमको देखकर रुक क्यों गई? ये सुनकर गोपाल हंसने लगा। तुम आम खाओ, गुठली के दाम क्यों पूछ रहे हो? कहते हुए वो राम के पास आया। राम उसको एकटक देखता रहा। दिखने में तो गोपाल काफी दुबला पतला था, लेकिन उसकी कड़क बाजुओं से प्रतीत होता था कि वो कोई सादा योद्धा नहीं, पाइट का ही शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन वो था कौन और कहां से आया था? लेकिन राम आगे कुछ पूछे उससे पहले ही गोपाल ने राम के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही गंभीर होकर कहा, सुना है तुमने बाला से दुश्मनी मोल ली है, तुम बाला को जानते हो? राम चकाचौंध रह गया। बाला को कौन नहीं जानता, गोपाल ने और गंभीर होते हुए कहा, अगर तुमने उसके बेटे को नहीं मारा होता तो भी बाला को खुश करना लगभग नामुमकिन था। बहुत ही घमंडी योद्धा है वो। राम एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था। सच तो ये था कि बाला से दुश्मनी मोल लेकर राम ने शून्य शक्ति तक की मंजिल और मुश्किल कर दी थी। सारी योगिनियां बाला की सखी हैं। गोपाल बोल उठा तो राम की भौंहें सिकुड़ गई। सखी? राम के मुंह से निकल गया। अब तक कृष्णन भी उधर पहुंच गया था और वो भी ध्यान से गोपाल की बातें सुन रहा था। गोपाल ने आगे की बात कही, बाला ने शून्य शक्ति की पहली सतह हासिल की है और ये सारी योगिनी पहली सतह की देवियां हैं। गोपाल की बात बहुत ही अद्भुत थी। राम को लग रहा था मानो वो कोई दिव्य सृष्टि में आ गया हो, लेकिन उस दिव्य सृष्टि ने राम को अस्वीकार क्यों किया था? गोपाल ने कहा कि बाला ने मेहनत और साधना से योगिनियों को खुश किया था। तुम्हारे बारे में गलत बातें योगिनी के दिमाग में बाला ने ही डाली हैं। राम, तुम्हें कोई रास्ता तो निकालना होगा जिससे तुम योगिनी का प्रकोप कम कर सको, तो ही तुम शून्य शक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हो। ये सब सुनकर राम का दिमाग घूमने लगा। उसने इतने सालों में इतनी अद्भुत शक्तियां हासिल की थी, लेकिन ऐसा क्या था शून्य शक्ति में कि ये सारी शक्तियां काम नहीं कर रही थी? कृष्णन ने राम के विचार पढ़ लिए। वो बोला, शायद इसे ही शून्य शक्ति बोलते हैं। राम, तुमने अब तक जितना हासिल किया है वो इस दर पर रखकर ही अंदर जाना होगा। बात सही है, अपनी शक्तियों को लेकर जाओगे तो वो लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे, गोपाल ने कहा। राम का असमंजस बहुत बढ़ गया। मतलब राम को महाद्वार में घुसने के लिए अब अपनी सारी मेहनत और शक्तियों को त्यागना होगा? तुम चिंता मत करो, अगर तुम चौखट पर सारी शक्तियां रखकर जाओगे तो कोई उन्हें छुएगा भी नहीं, गोपाल ने उसे दिलासा दिया। और वापस आकर तुम इन शक्तियों को फिर से धारण कर पाओगे? अरे पर तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? राम थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोल उठा। अगर मैं सारी शक्तियां चौखट पर रखकर अंदर जाऊंगा तो फिर अंदर किससे लड़ूंगा? बिना हरि के तो मैं अपाहिज हूं अप्पा, राम ने व्याकुल होते हुए कहा। राम की बात में दम तो था। कृष्णन ने गोपाल की ओर देखा। तुम ही बताओ कि राम कैसे लड़ेगा? लेकिन गोपाल अचानक स्माइल कर बैठा। वो मैं नहीं बता सकता, कहते हुए गोपाल फिर से हवा में तैरने लगा और नीचे देखते हुए राम को कहा, पर दोस्त चिंता मत करो, मेरी बात का यकीन करो, जब भी महाद्वार खुले शक्तियां चौखट पर रखकर जाना, तुम्हें पाइट के दूसरे हथियार मिल जाएंगे। ये कहते हुए गोपाल जाने लगा, लेकिन अचानक ही रुका और गंभीर होकर बोला, लेकिन महाद्वार खुले उससे पहले सावधान रहना, तमस तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है। राम और कृष्णन कंफ्यूज हो गए और उसे देखने लगे। गोपाल ने तमस की पहचान दी। तमस बाला का खूंखार सेनापति था। बाला ने उसे राम के पीछे भेजा था। तमस को एक ही हुक्म दिया गया था, ध्यान रहे वो राम राजशेखर महाद्वार खुलने से पहले ही खत्म हो जाए। इतना कहकर राम और कृष्णन उसे कुछ पूछें उससे पहले गोपाल चला गया। राम और कृष्णन एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे। करूर के भयानक जंगल में भोर होने को थी
मुरुगन के चीखने की आवाज अभी भी जंगल में गूंज रही थी। कनकी अभी भी ट्रांस में थी। मुरुगन ने घोड़े से नीचे उतरकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कनकी ने उसे अपने दुपट्टे से बांध दिया था। छोड़ो मुझे, यहां क्यों लाई हो? मैं शुद्धिपुरम का महाराज हूं। मुरुगन चीख उठा, लेकिन कनकी ने एक शार्प नजर देते हुए उसे चुप किया। जगह ढूंढने दो महाराज, कनकी ने अजीब सी आवाज में कहा, और अचानक ही उसके कानों के पास में से किसी झील की आवाज आई। वो कुछ कदम इधर से उधर घूमी और अंत में परफेक्ट स्पॉट उसने ढूंढ ही लिया। वो नीचे झुकी और बोल उठी, पानी पानी। बस फिर क्या था, मुरुगन की आंखों के सामने वो रहस्यमय गुफा तुरंत खुल गई। अब तक बेहद स्ट्रेस में चल रहा मुरुगन तुरंत ही इतना खुश हो गया कि खुशी में चिल्लाने लगा, ए कनकी, गुफा खुल गई। कनकी उसके पास आई और बोली, जिस शब्द को आप ढूंढ रहे थे वो था पानी। ये कहकर ही अचानक ही कनकी की आंखें ब्लैंक हो गई और दो ही पल में वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। कनकी मुझे खोल तो सही, दुपट्टे से बधा हुआ मुरुगन चिल्लाया और फिर खुद के हाथ खोलने के लिए तड़पने लगा। अचानक ही मुरुगन के अच्छे नसीब से वो दुपट्टा खुल गया। उसने गड़गड़ाहट सुनी और देखा कि गुफा बंद हो चुकी थी। मुरुगन पागलों की तरह कूदते हुए जमीन पर नीचे झुककर बोलने लगा, पानी पानी पानी। तुरंत ही गुफा खुल गई। मुरुगन ने वो गुफा कई बार खोली और बंद की, मानो वो कोई जादुई चमत्कारी रहस्यमय गुफा नहीं बल्कि कोई खिलौना हो। राजमहल में भोर होते ही मुरुगन के कुछ नौकर और उसका बावर्ची नाश्ता लेकर अंदर गए, लेकिन मुरुगन को अपने बिस्तर पर नहीं पाया। राजमहल में हल्ला हो गया कि मुरुगन पूरे राजमहल में कहीं नहीं था। मुरुगन के सेनापति ने चौकीदार को मार मार के अधमरा कर दिया, क्योंकि जब कनकी मुरुगन को लेकर घोड़े से भागी थी तब वो चौकीदार मीठी नींद ले रहा था। वो चौकीदार सेनापति की मार ही खा रहा था, तभी एक सिपाही भागते हुए आया। उसने खबर दी कि शुद्धिपुरम के एक आदमी ने कल रात को कनकी और मुरुगन को करूर के जंगल की ओर जाते देखा था। तुरंत ही उसने अपनी सेना को करूर के जंगलों में भेजा। जब तक सिपाही ने मुरुगन को पाया तब तक मुरुगन को कोडवर्ड मिल गया था और वो बार बार कोडवर्ड बोलकर गुफा को खोल बंद कर रहा था। कनकी को वापस राजमहल लेकर जाओ, उसने मेरी मदद की है इसलिए उसका ख्याल रखो, कहते हुए मुरुगन ने कुछ सिपाहियों को कनकी के साथ वापस राजमहल भेजा और कुछ सिपाहियों को अपने साथ गुफा में लेकर गया। काराकोरम में राम और कृष्णन एक दूसरे से बात कर रहे थे। अप्पा, इतनी डरावनी योगिनी मैंने कभी नहीं देखी, राम काफी स्ट्रेस में था। कुछ घंटों पहले गोपाल के जाने के बाद कृष्णन ने राम से पूछा कि अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था। कृष्णन पूरी बात इसीलिए भी जानना चाहता था ताकि वो राम की मदद कर सके। राम ने खुद के डरावने रूप के बारे में भी बताया, और उससे डरावनी बात तो ये थी अप्पा, राम बोल उठा, कि मेरा खुद पर बिल्कुल भी कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं समझ सकता, आप ही बताइए, ऐसे हालात में मैं अपनी शक्तियां चौखट पर कैसे छोड़कर जाऊं। राम और कृष्णन ये डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी अचानक सूरज की किरणें पास वाले एक पेड़ पर पड़ी और उधर कुछ अजीब सा चमका। राम का ध्यान तुरंत उस चमक पर गया। चमक इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। क्या हुआ, कृष्णन ने पूछा, तो राम ने कृष्णन के पीछे चमकती चीज की ओर इशारा किया। समझ ही नहीं आ रहा था कि चमक क्या रहा था। राम शायद इस बात की गहराई तक नहीं जाता, लेकिन अचानक ही वो चमकती चीज में से हल्का प्रकाश राम की ओर आया। राम और कृष्णन को समझ पाए उससे पहले वो प्रकाश राम की जेब में गया और हरी जेब में फुदकने लगा। अप्पा, कुछ जबरदस्त चीज लगती है, कहते हुए राम अब उस चीज के पास गया, लेकिन जब वो पास गया तो चमक थोड़ी नॉर्मल हो गई। राम ने देखा कि वो एक पत्थर था, डार्क ग्रीन रंग का, और उसके ऊपर गोल आकार में एक जियोमेट्रिकल डिजाइन बनी हुई थी, मानो कि किसी ने रंगोली की आउटलाइन बनाई हो। कृष्णन भी अब तक राम के पास पहुंच गया था। ये क्या है, कृष्णन उस पत्थर को उठाने गया। वो पत्थर कृष्णन की हथेली जितनी ही साइज का था, लेकिन कृष्णन जब उसे उठाने गया तब वो हिला भी नहीं। लेकिन जैसे ही राम ने उठाने का ट्राई किया, दो ही पल में वो पत्थर राम के हाथ में था। राम और कृष्णन एक दूसरे को देखने लगे। राम ने ध्यान से उस रंगोली जैसी डिजाइन को देखा और अचानक ही उसकी आंखें चमकी। अप्पा, राम भौचक्का होकर बोल उठा, ये किनारा देखिए। राम ने गोल आकार डिजाइन का एक किनारा दिखाया, उसमें पर्वतमाला जैसी आकृति थी और बीच वाले पर्वत में एक महाद्वार जैसा कुछ था। राम और कृष्णन समझ गए कि उनके हाथ अचानक ही श्रीनगरी का मैप लग गया है। राम और कृष्णन की खुशी का पार न रहा। गोपाल ने कहा था कि मुझे नए हथियार मिल जाएंगे, राम ने बेहद खुशी में कहा। मुझे तो ये श्रीनगरी का नक्शा ही लग रहा है, देखिए, उसने डिजाइन के बीचों बीच एक पेड़ जैसी आकृति को पॉइंट करते हुए कहा। ये वही पेड़ है जिसमें शून्य शक्ति है। लेकिन राम और कृष्णन उस नक्शे को ज्यादा जांच पाते, उससे पहले ही अचानक एक गिरगिट की लंबी जीभ आई और राम के हाथ से वो नक्शे वाले पत्थर को खींचने की कोशिश करने लगी।
लेकिन राम ने पत्थर को संभाल लिया और चौंक के ऊपर देखा। उसके सामने दो महाकाय गिरगिट खड़े थे, दो पैरों पर, कम से कम 10 फुट के होंगे। दोनों जुड़वा लग रहे थे और छोटे डायनासोर जैसा उनका रूप था। राम को देखकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। यही वो योद्धा है ना बब्बर, जिसकी अंतड़ियां निकालकर बाला को खिलानी है, दूसरा बोला। हाँ गब्बर। इन दो बब्बर गब्बर के मुंह से बाला का नाम सुनकर राम और कृष्णन दोनों सावधान हो गए। राम ने वो रंगीन पत्थर नक्शा अपनी जेब में ही रख लिया। कौन थे दोनों जो राम की अंतड़ियां निकालकर बालक को देना चाहते थे? गोपाल ने तो एक ही नाम बताया था, बालक के सेनापति का, तमस। बब्बर गब्बर ने राम के विचार पढ़ लिए। हम उसके सिपाही हैं, तमस हमारा सेनापति है। तुम जैसे लल्लू से लड़ने तमस खुद थोड़ी ना आएगा, बब्बर बोल उठा। गब्बर ने उसका साथ दिया। तेरे लिए तो हम ही काफी हैं। कहते हुए अचानक ही गिरगिट ने अपनी जीभ से राम को एक हड्डी चूर मुक्का मारना चाहा, लेकिन राम सावधान हो गया। वो तुरंत ही छलांग लगा के दूर चला गया। लेकिन अचानक ही राम ने उसके एकदम ही पास बब्बर को पाया। राम बौखला गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो बब्बर उससे काफी दूर खड़ा था। कृष्णन ने गब्बर से लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी गिरगिट की जीभ से कृष्णन को एक पेड़ से बांध दिया। राम को एहसास हुआ कि ये दोनों कोई सादे योद्धा नहीं थे, ये लोग मायावी पायट्ट के योद्धा थे। और मायावी पायट्ट के बारे में राम ने सिर्फ एक ही बार सुना था। मायावी पायट्ट काली पायट्ट से भी ज्यादा खतरनाक था। बड़े से बड़े योद्धा को भ्रमित करके एक मायावी पायट्ट का योद्धा दुनिया को जीत सकता था। और ये तो गब्बर और बब्बर भले ही गिरगिट प्रजाति के थे, लेकिन मायावी पायट्ट के अति शक्तिशाली योद्धा थे। क्या राम अपने हाथ में आए वो नक्शे को इन लोगों से बचा पाएगा? क्या राम खुद की जान की रक्षा कर पाएगा? शुद्धिपुरम में कनकी को काफी घंटों बाद होश आया। उसके पास हीमा और भास्कर बेहद चिंता में खड़े थे। क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? कनकी को भास्कर एकटक देख रहा था, मानो उसके मन में कनकी को लेकर कुछ असमंजस चल रहा। लेकिन कनकी खुद बेहद बड़ी असमंजस में थी। वो होश में तो आ गई, लेकिन अभी भी उसके दिमाग के एक कोने में कुछ इमेजेस आ रही थी, करूर के घने जंगल की। अचानक उसने अपने कानों में खुद की ही आवाज सुनी, पानी पानी। फिर मुरुगन की खुशी की आवाज आई, गुफा खुल गई, गुफा खुल गई। कनकी थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ना ही मुरुगन आसपास था और ना ही कोई गुफा, तो ये क्या सुन रही थी वो? लेकिन कनकी को एक बात तुरंत स्ट्राइक हुई। दादाजी, वो शॉक में बोली, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हेमा और भास्कर उसको देखते रहे। कनकी बोल उठी, मुझे लगता है मैंने महाराज मुरुगन को रहस्यमय गुफा खोलने का रास्ता दिखा दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुरुगन तबाही मचा देगा। ये मैंने क्या किया? सच में उस वक्त रहस्यमय गुफा की हालत बेहद खराब थी। सारे पत्थरों को मुरुगन ने तोप के गोलों से फोड़ दिया था। वो नीला तालाब एकदम प्रदूषित हो गया था। मुरुगन ने सुना था कि रहस्यमय गुफा में एक अमृत पत्थर था जिसके पीछे वो पड़ा था, लेकिन उसने वो पूरी गुफा को ऊपर नीचे करके देख लिया था, वो अमृत पत्थर कहीं नहीं मिला था। क्या करेगा मुरुगन जब उसे पता चलेगा कि अमृत पत्थर राम के पास है? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। धोखा, सबसे बड़ा धोखा किया मेरे साथ। गुस्से में चिल्लाते हुए मुरुगन हवेली में आया। राजशेखर परिवार के सभी लोग वहां जमा हो गए। भास्कर और कनकी मुरुगन के गुस्से का कारण जानते थे, पर वो ये नहीं समझ पाए कि मुरुगन को करूर जंगल के उस रहस्यमय गुफा के राज को जानने की इतनी आतुरता क्यों थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुरुगन उस गुफा का रहस्य जानने के लिए इतना पागल हो गया था? मुरुगन, किसी ने कोई धोखा नहीं किया है, भास्कर ने मुरुगन को समझाते हुए कहा। तुम सब धोखेबाज हो, पूरा राजशेखर परिवार झूठा है। पहले तो राम ने मुझसे झूठ कहा कि वो करूर जंगल की गुफा के बारे में कुछ नहीं जानता। कितनी बार मैंने उससे पूछा, अलग अलग तरीकों से पूछा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे राज बताए बिना ही वो मर गया। और अब ये कनकी, ये मुझे उस गुफा तक ले गई। पासवर्ड से उसने वो रहस्यमय गुफा खोली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, मुरुगन ने गुस्से में कहा। मुरुगन, वो गुफा एक रहस्यमय गुफा है, तुम सामने से उस गुफा में नहीं जा सकते। वो गुफा खुद एक योद्धा को अपने पास बुलाती है, भास्कर ने कहा। तुम सब राम की भाषा में बात कर रहे हो, वो भी यही कहता था। कनकी मुझे अचानक उस गुफा के पास ले गई, इसका क्या मतलब हो सकता है? यही ना कि उस गुफा ने मुझे सामने से बुलाया है, तो फिर क्यों मुझे उस गुफा का राज जानने को नहीं मिला? क्यों मुझे वहां का वो जादुई पत्थर नहीं मिला? क्या तुम लोगों ने उस पत्थर को कहीं छुपा कर रखा है? मुरुगन की बातों में उसका पागलपन झलक रहा था। सब जान गए कि मुरुगन हरि की बात कर रहा है, पर उसे हरि के बारे में किसने बताया? भास्कर और कनकी जानते थे कि कृष्णन को पुनर्जीवित करने में राम ने हरि को खो दिया था,
दूसरा राम हिमालय में था। शायद उसके पास भी हरी होगा, पर यह बात मुरुगन को नहीं बता सकते थे। मुरुगन के बर्ताव में बहुत बदलाव आया था। कोई इस बदलाव का कारण भी नहीं समझ पा रहा था। भास्कर, हेमा, कनकी ने मुरुगन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुरुगन के सर से उस जादुई पत्थर का भूत नहीं उतर रहा था। मुरुगन को समझाना मतलब दीवार पर सर फोड़ने के बराबर हो गया था। मुरुगन, शांत हो जाओ, हमने कोई धोखा नहीं किया। तुम्हें चाहिए तो मैं खुद तुम्हारे साथ उस रहस्यमयी गुफा में चलूंगा। भास्कर ने बात को संभालने की कोशिश की। मुझे राजशेखर परिवार के किसी भी सदस्य की कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे तुम लोगों के साथ कोई नाता नहीं रखना, दोस्ती का भी नहीं और राजा प्रजा का भी नहीं। मुरुगन के इस बात से राजशेखर परिवार चिंतित हो गया। अभी इसी वक्त तुम सब इस हवेली से बाहर निकलो, मुरुगन ने गुस्से में राजशेखर परिवार के लोगों से कहा। मुरुगन, मेरी बात सुनो, भास्कर कहने गया। बाहर निकलो वरना मेरी सेना बीच में आई तो तुम सब की लाश इस हवेली से बाहर जाएगी। मुरुगन के इस गुस्से से सब हैरान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुरुगन पर कोई जादू किया हो और मुरुगन किसी के इशारों पर यह सब कर रहा हो। मुरुगन ने खुद राजशेखर परिवार को अपने घर में रहने के लिए कहा था और वैकुंठ विला के रिनोवेशन का खर्चा भी उठाया था। फिर अचानक मुरुगन का ब्रेन वॉश कैसे हो गया? राजशेखर परिवार के दुश्मनों में सूर्यकांत और सुभद्रा थे, वो सब तो मर गए थे। बुद्धू प्रजाति का भी नाश हो गया था, फिर ये सब कौन कर रहा था? मुरुगन के गुस्से और पागलपन के सामने रुकना मूर्खता से कम ना था। राजशेखर परिवार मुरुगन हवेली छोड़कर निकलने लगा। गलती से भी वैकुंठ विला में जाने की सोचना भी मत। वैकुंठ विला आज अगर पैर रखने के लायक भी है तो वो सिर्फ मेरी वजह से। वहां जो भी खर्चा हुआ है वो मैंने किया है, मुरुगन ने कहा। भास्कर ने सोचा भी नहीं था कि मुरुगन इतना क्रूर हो सकता है। हेमा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास छोटे राम की तरह रहने वाला मुरुगन आज उसके परिवार के सामने दुश्मन बनकर खड़ा होगा। भास्कर अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गया। राजशेखर परिवार मुरुगन हवेली से जैसे ही निकला, मुरुगन ने घोषणा की कि राजशेखर परिवार उसका दुश्मन है और शुद्धिपुरम में जो भी राजशेखर परिवार को सहारा देगा और उनकी मदद करेगा वो राज परिवार का दुश्मन होगा। राजशेखर परिवार पूरे शुद्धिपुरम में अकेला पड़ गया। जिस शुद्धिपुरम में राजशेखर परिवार का नाम, मान और सम्मान था, आज उसी शुद्धिपुरम में कोई भी उन्हें अपनी दहलीज पर भी खड़ा नहीं रख रहा था। काराकोरम में बब्बर और गब्बर राम पर वार कर रहे थे। बब्बर और गब्बर के मायावी पायट को समझना राम के बस के बाहर की बात थी। राम ने जैसे ही बब्बर को करारी लात मारी, राम के सामने गब्बर के एक साथ 100 पैर आ गए। राम हैरान रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? राम ने गब्बर की करारी लात को चकमा देना चाहा, लेकिन एक साथ 100 पैरों से करारी लात। इनमें से 99 मायावी पैर हैं और एक सच्चा पैर है। 99 पैरों पर आप वार करोगे तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसका सच्चा पैर ढूंढ लिया तो शायद आप उसे मार पाओगे। अचानक राम को किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन राम को आसपास कोई दिखा नहीं। यह आवाज तो जानी पहचानी है। राम याद करने लगा कि आवाज उसने पहले कहां सुनी है। ये तो उस अदृश्य लड़के की आवाज है जिसने महाद्वार के पीछे श्रीनगरी की बात मुझसे कही थी, राम को याद आया। राम जान गया कि वो अदृश्य लड़का उसकी मदद कर रहा है। राम ने अब गब्बर के 100 पैरों पर गौर किया, पर सभी इतने सच्चे लग रहे थे कि उसमें से मायावी पैर कौन सा है और गब्बर का सच्चा पैर कौन सा है, ये जानना मुश्किल था। कैसी लगी मेरी मायावी करारी लात? इतना कहकर गब्बर के 100 पैर से राम पर करारी लात की बरसात हुई। राम ने मुश्किल से खुद को हर एक लात से बचाया, लेकिन सामने से बब्बर ने ऐसे ही मायावी हड्डी चूर मुक्का मारा। राम परेशान हो गया। कृष्णन भी राम की मदद करने लड़ाई में कूदा। राम के पास हरी था और वह अदृश्य लड़के की मदद और साथ ही कृष्णन जैसा योद्धा भी था। राम ने अब पूरी पॉजिटिविटी के साथ बब्बर और गब्बर से लड़ना शुरू किया। राम ने ध्यान से गब्बर और बब्बर के मायावी वार में उनके सच्चे हाथ और पैर को पहचाना और उन पर वार किया। जैसे ही राम ने गब्बर और बब्बर के सच्चे पैर और हाथ पर वार किया, वो लोग कमजोर होते गए। गब्बर और बब्बर की ताकत कम होने लगी। हरी अचानक चमकने लगा और हरी की रोशनी और ताकत से राम की आभा पूरी तरह से बदल गई। राम ने अब बवंडर लात का उपयोग किया। राम घूमने लगा जैसे एक बड़ा सा तूफान आया हो। वैसे राम बब्बर और गब्बर के आसपास घूमने लगा। गब्बर और बब्बर को चक्कर आने लगे। घूमते घूमते राम ने दोनों पर हड्डी चूर मुक्के और करारी लात का उपयोग किया। जैसे ही राम रुका तो बब्बर और गब्बर नीचे जमीन पर जख्मी होकर पड़े थे, लेकिन फिर भी उनके लड़ने का इरादा नहीं गया था। राम ने अब अपनी अनोखी शक्ति का उपयोग किया और अपने अंदर से आग का एक गोला बाहर निकाला और उस आग के गोले ने गब्बर और बब्बर को जला दिया। यहां महाद्वार के पास गब्बर और बब्बर जलकर मर गए और दूसरी ओर बाला ने गुस्से में अपने घर में अपनी आंखें खोली। राम, बेहद गुस्से में बाला चीखा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बब्बर और गब्बर को जान से मार दिया?
तू मेरी जिंदगी में तबाही मचाने आया है? पहले मेरे बेटे बीजू को मारा, कठपुतली गांव को जला दिया, मेरी सेना को थका दिया, और अब गब्बर और बब्बर जैसे मायावी पाइट के योद्धाओं को तूने मौत के घाट उतार दिया। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुझे राम राजशेखर, गुस्से से लाल आंखों से बाला बोला। तमस! बाला ने जोर से आवाज लगाई और बाला के सामने एक अजीब सा इंसान प्रकट हुआ। तमस बाला का सेनापति था। तमस दिखने में बहुत ही अजीब था। तमस के शरीर पर उसकी चमड़ी इतनी काली थी जैसे उसके शरीर पर बहुत बाल हों। तमस की आंखें और दांत सिल्वर थे जैसे चांदी के हों। तमस के सर पर बाल नहीं थे और वो उसे ज्यादा भयानक बनाता था। तमस की आंखों में एक अलग ही चमक थी। हुकुम सरदार, तमस ने झुककर बाला से कहा, राम राजशेखर को जान से मार दो, उसका सर मुझे मेरे पैरों में चाहिए। बाला की आंखों से खून निकल रहा था। शुद्धिपुरम के हालात बद से बदतर हो गए थे। राजशेखर परिवार रास्ते पर आ गया था, लेकिन पूरे शुद्धिपुरम की ही हालत बुरी थी। मुरुगन के पागलपन में शुद्धिपुरम की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। मुरुगन ना अपने पॉलिटिकल एडवाइजर की बात सुन रहा था, ना ही शुद्धिपुरम को चलाने के बारे में कुछ आगे सोच रहा था। और जब राजा का ध्यान भटकता है तो प्रजा के हाल बेहाल होने लगते हैं। शुद्धिपुरम का भी यही हाल हुआ था। मुरुगन के पॉलिटिकल एडवाइजर्स भी उलझन में थे, क्योंकि मुरुगन का बदला हुआ बर्ताव वो भी नहीं समझ पा रहे थे। शुद्धिपुरम में अनाज की कमी होने लगी, बाहर से व्यापार बंद हो गया, गरीबी इतनी बढ़ गई कि पूरे शुद्धिपुरम में लोग चोरी और मारपीट करने लगे। अच्छे भले घर के लोग खाने पीने के लिए एक दूसरे के घर में डाका डालने लगे। मुरुगन के सामने ये बात कई बार उसके पॉलिटिकल एडवाइजर ने रखी, पर मुरुगन ने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। पूरे शुद्धिपुरम से नफरत लेने के बाद राजशेखर परिवार शुद्धि जंगल की ओर निकल गया था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कहां जाए और कहां रहे। दादाजी, वो देखो, शुद्धि जंगल में खंडहर को देखकर कनकी बोल उठी। राजशेखर परिवार के पास उस खंडहर में रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। शुद्धि जंगल में खुलेआम नहीं रह सकते, वहां जानवरों का भय रहता है। खंडहर को एक बार सुरक्षित किया जा सकता है। उस खंडहर में सिर्फ एक बड़ा सा कमरा था। पूरा राजशेखर परिवार उस बड़े से कमरे में एक साथ रहने लगा। वैसे पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर फूट पड़ चुकी थी। परिवार की हालत के लिए सब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। उदयन कभी भी गरीबी में नहीं रहा था, इसलिए उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उदयन को ऐसा लग रहा था कि आज परिवार के जो भी हालात हैं उसकी जिम्मेदार कनकी है। इतने दिनों से चुप उदयन अब बोल उठा, दादाजी, आपने आज तक राम और कनकी को कभी भी किसी भी बात में नहीं रोका। आज हमारी ये हालत उन्हें मिले फ्रीडम की वजह से। भास्कर कुछ नहीं बोला। भास्कर जानता था कि परिवार की हालत इतनी नाजुक है कि कुछ भी कहने से परिवार टूट सकता था, जिसकी शुरुआत तो वैसे ही हो चुकी थी। आप चुप क्यों हैं? अभी भी आप चुप रहकर कनकी को सपोर्ट कर रहे हैं। ना आपने कनकी को उसकी दुनिया में जाने की इजाजत दी होती, ना ही ये पुनर्जीवित वाला खेल होता, और ना ही पुद्दु प्रजाति का ये प्रकोप होता। उदयन गुस्से में बोल उठा। उदयन! बलराम ने गुस्से से उदयन को शांत होने को कहा। उसकी बात भी ठीक है बलराम, आज तक उसने सिर्फ राजशाही जीवन बिताया है, जायज है, ये सब वो सह नहीं पाएगा। लेकिन उदयन बेटा, पायट कला ही ऐसी है, यह हमसे सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं जुड़ती। पायट एक योद्धा के अंदर धैर्य, ठहराव और दुख को सहने की ताकत भी लाता है। शारीरिक रूप से मजबूत तो जानवर भी होते हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा वो होता है जिसका अपने मन, दिल और विचारों पर भी अच्छा काबू हो। भास्कर ने उदयन को समझाते हुए कहा, बेटा, हरेक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जरूरी ये नहीं कि हरेक उतार चढ़ाव को जीता जाए, पर जरूरी ये है कि उसमें खुद पर काबू रखा जाए। और हमारा पूरा परिवार इस मुसीबत में साथ है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बलराम ने उदयन को समझाते हुए कहा। उदयन आगे कुछ बोला नहीं, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। राजशेखर परिवार को रहने के लिए छत मिल गई थी, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि खाना पीना कहाँ से अरेंज करेंगे, क्योंकि शुद्धिपुरम में तो सबने राजशेखर परिवार का त्याग किया हुआ था। दूसरी ओर बाला के हुक्म पर तमस महाद्वार के पास पहुंच गया। राम के हाथ में वो रोशनी वाला पत्थर था जिसके ऊपर राम को एक नक्शे जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। तमस राम के हाथ में वो पत्थर देखकर गुस्से में आ गया। क्या तमस राम से वो पत्थर छीन लेगा? क्या तमस बाला के हुक्म के हिसाब से राम को मारकर उसका सर बाला के पैरों में डाल देगा? राजशेखर परिवार शुद्धि जंगल में कैसे सर्वाइव करेगा? काराकोरम में कृष्णन और राम अपने परिवार की ऐसी हालत से कभी वाकिफ हो भी पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। दादाजी, आपकी इजाजत हो तो मैं सुंदर पाई तो और लोगों को सिखाना चाहती हूँ, कनकी ने हिचकिचाहट में भास्कर को पूछा। कनकी कृष्णन की इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कनकी दुखी थी। खासकर उदयन की बात सुनने के बाद। कनकी, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो?
भास्कर ने पूछा। दादाजी, इसी सुंदर पाइट से बहुत कुछ हो गया है, आपको पूछे बिना मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, कनकी ने कहा। कनकी बेटा, तुमने पाइट की एक बहुत ही अद्भुत कला को सीखा है। सुंदर पाइट सच में बेहद सुंदर कला है, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सुंदर पाइट के कुछ दुर्गुण भी हैं। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे सुंदर पाइट को दूषित किया गया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था बेटा। रही बात सुंदर पाइट सिखाने की, तो कनकी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर हम हमारी कला किसी को सिखा सकते हैं तो उससे ज्यादा पुण्य का काम और कोई नहीं है। भास्कर की इस बात से कनकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कनकी ने अब शुद्धिपुरम की औरतों को सुंदर पाइट सिखाने की घोषणा की, क्योंकि कृष्णन का भी सपना था। शुद्धिपुरम में बात फैल गई कि कनकी राजशेखर महिलाओं को सुंदर पाइट सिखाने के लिए स्कूल खोल रही है। जैसे ही यह खबर फैली, शुद्धिपुरम में हाहाकार मच गया। शर्म जैसी चीज ही नहीं है इस लड़की में, खाने पीने के ठिकाने नहीं है और पाइट का स्कूल खोल रही है। जिस सुंदर पाइट की वजह से उनका परिवार खत्म हुआ, उसका भाई जिस सुंदर पाइट की वजह से मर गया, उसे सुंदर पाइट को सबको सिखाना चाहती है। पूरे शुद्धिपुरम में कनकी के खिलाफ बातें होने लगी। कनकी को एक भी महिला सुंदर पाइट सीखने को नहीं मिली। शुद्धिपुरम में राजशेखर परिवार और सुंदर पाइट को लेकर बहुत बुरे विचार बन गए थे, और स्वाभाविक भी था, क्योंकि आज शुद्धिपुरम की हालत भी इतनी बुरी थी और सब लोग उसके लिए राजशेखर परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लोगों के तानों ने कनकी को बेहद निराश किया था। कनकी शुद्धि जंगल के उस खंडहर में एक कोने में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। वो भास्कर और हेमा के सामने अपना दुख नहीं दिखाना चाहती थी। रात हो गई पर कनकी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। खंडहर में पूरा राजशेखर परिवार सो रहा था। अचानक कनकी को कुछ आवाज सुनाई दी। कनकी ने देखा तो उस खंडहर के दरवाजे पर उसे एक साया दिखा। अंधेरे में कोई दरवाजे के पास खड़ा था। कनकी चौंक गई, कौन हो सकता है? कनकी ने देखा तो भास्कर, हेमा, बलराम सब सो रहे थे। कनकी ने किसी को जगाया नहीं। कनकी उस साये के पीछे गई। कौन है ये? ये यहां क्यों आया था? कहीं फिर से मेरे परिवार के ऊपर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? कनकी ने परेशान होते हुए खुद से ही कहा। कनकी उठकर उस साये का पीछा करने लगी। थोड़े आगे जाकर रात की चांदनी में जब कनकी ने ध्यान से देखा तो वो साया जाना पहचाना सा था। कनकी और परेशान हुई। अचानक वो साया रुक गया। कनकी भी रुकी। आगे बढ़ने पर कनकी ने उस साये के खांसने की आवाज सुनी। ये तो नरसिंह है। कनकी ने उसे पहचान लिया था, लेकिन नरसिंह इतनी रात को कहां जा रहा था, वो भी ऐसे अकेले में? कनकी नरसिंह का पीछा करती रही, पर अचानक अंधेरे में नरसिंह कहीं गायब हो गया। नरसिंह को ढूंढते हुए कनकी शुद्धि जंगल में खुद खो गई। रात के अंधेरे में मुश्किल से कनकी उस खंडहर में वापस आई। कनकी ने देखा तो नरसिंह वहीं अपनी जगह पर सोया हुआ था। कनकी परेशान हुई। ऐसा कैसे हो सकता है, वो पक्का नरसिंह ही था। तो फिर वो इतनी जल्दी वापस यहां कैसे आ गया? कनकी इतनी परेशान थी कि रात को सो भी नहीं पाई। सुबह होते ही कनकी ने देखा तो नरसिंह फिर से गायब था। नरसिंह कहाँ है, तुमने उसे देखा? कनकी ने उदयन से पूछा। उदयन कनकी से इतना नाराज था कि उसने कनकी की बात को अनसुना कर दिया। नरसिंह की बात भास्कर को बतानी जरूरी थी, क्योंकि अब परिवार में कुछ भी गलत होने नहीं दिया जा सकता था। कनकी भास्कर के साथ बात करने गई, पर हेमा, बलराम सब वहीं पर थे तो कनकी रुक गई। कनकी हेमा और बलराम को टेंशन देना नहीं चाहती थी। भास्कर जैसे ही खंडहर से बाहर निकला, कनकी मौके का फायदा उठाकर उसे नरसिंह के बारे में बताने गई। दादाजी, वो कल रात को बोलते बोलते कनकी रुक गई, क्योंकि सामने से नरसिंह आ रहा था। नरसिंह के हाथ में कुछ था। कनकी उसे देखते ही रह गई। दादाजी, कनकी जल्दी अंदर आओ, कहते हुए नरसिंह सीधा अंदर गया। नरसिंह सबके लिए अन्न कमा कर लाया था। सब शॉक्ड हो गए। सबके मन में प्रश्न था कि नरसिंह ये कहां से लाया, पर कनकी को सबसे ज्यादा शक था, क्योंकि उसने रात को नरसिंह को जंगल में अकेले जाते देखा था। कहां से लाए ये? कनकी ने शक से पूछा। नरसिंह, तुमने सबके लिए जो किया उसके लिए मुझे गर्व है, पर बेटा तुमने ये सब कैसे किया? भास्कर ने पूछा। दादाजी चिंता मत कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, नरसिंह ने कहा। शुद्धिपुरम में हर कोई हमसे नफरत करता है, कौन हमारे लिए अन्न देगा? कनकी ने कहा। मैं ये अन्न कमा कर लाया हूं, नरसिंह ने जवाब में कहा। सब जानते हैं कि कोई हमें काम भी नहीं देगा, तो फिर ये अन्न आया कहां से? कनकी रात के संदर्भ में नरसिंह से पूछ रही थी, पर नरसिंह नहीं जानता था कि कनकी उसका पीछा कर रही थी। मैंने अन्न कमाया है और पाइट से कमाया है, नरसिंह ने कहा। कनकी कुछ बोलने गई, पर नरसिंह ने उसे रोकते हुए कहा, मैं पाइट के नाम पर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नरसिंह की इस बात से सभी चुप हो गए, लेकिन कनकी के मन में ढेर सारे सवाल थे। महाद्वार के पास तमस पहुंच गया था, लेकिन राम के हाथों में वो रोशनी वाला चमत्कारिक पत्थर देखकर वो दूर ही रुक गया।
राम ने उस पत्थर को गब्बर और बब्बर से बचाया था। राम और कृष्णन को उस पत्थर में श्रीनगरी का नक्शा जैसा कुछ दिख रहा था, पर राम उस पत्थर को समझ नहीं पाया था। अचानक ही वो काला धुआं फिर से आया। राम की मदद के लिए गोपाल फिर से आ गया था। आखिर तुम्हें नक्शा मिल ही गया, गोपाल ने खुश होते हुए कहा। यह सच में शून्य शक्ति तक पहुंचने का नक्शा है? राम ने पूछा। हाँ, लेकिन यह एक जादुई यंत्र है, गोपाल ने कहा। गोपाल की बातों से साफ था कि राम के हाथों शून्य शक्ति प्राप्त करने का बहुत बड़ा यंत्र लगा था। राम खुश हुआ कि अब उसे शून्य शक्ति तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वहीं पर एक आवाज आई, यह जादुई यंत्र मेरा है। तमस राम के सामने आया। राम नहीं जानता था कि यह कौन है, पर उसके तरीके से और उसकी आंखों से राम इतना जान गया कि यह उसका दुश्मन ही है। राम ने तुरंत उस पत्थर को अपनी जेब में रखने की कोशिश की, पर तमस ने राम के हाथ पर वार किया और राम के हाथ से वो जादुई यंत्र गिर गया। राम हैरान हो गया। वो जादुई यंत्र राम और तमस के बीच में था। राम, इस यंत्र को तुम खो नहीं सकते, गोपाल ने राम से कहा। तुम कौन हो? राम ने तमस से पूछा। मैं कौन हूं? यह तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा सर काराकोरम के हरे शिखर पर होगा। तमस की यह बात सुनकर राम जान गया कि यह जो कोई भी है बाला का ही भेजा हुआ आदमी है। गोपाल ने कहा था कि बाला ने अपने सेनापति को उसके पीछे भेजा है, तो कहीं ये तमस तो नहीं? गोपाल राम के मन की बात जान गया। ये तमस ही है, गोपाल ने राम के शक को दूर करते हुए कहा। तमस ने बिना सोचे राम पर वार किया। कृष्णन ने तमस के वार को बीच में ही रोका। मेरी दुश्मनी इस राम से, बीच में कोई ना आए तो ही अच्छा है, तमस ने गुस्से में कहा। राम ने कृष्णन को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन कृष्णन ने तय कर लिया था कि अगर राम को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह जरूर इस लड़ाई के बीच में आएगा। तमस के वार करने के तरीके ही अलग थे। तमस ने राम पर हड्डी चूर मुक्के से वार किया, लेकिन उसका हड्डी चूर मुक्का राम को फिजिकली नहीं लगा। राम को एक रोशनी ही लगी थी, और जहां वो रोशनी लगी वह राम की चमड़ी काली हो गई, जैसे जल गई हो। राम बेहद परेशान हुआ। ये कैसा पाइट है? राम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पाइट के इतने अलग, इतने खराब और इतने काले रूप भी हो सकते हैं। हिमालय में आने के बाद ही राम ने पाइट के इतने रूप देखे होंगे, लेकिन राम को अपने पाइट पर, अपनी ताकत पर और अपनी शक्तियों पर भरोसा था। राम ने अपने पाइट से तमस के हड्डी चूर मुक्के को रोका। तमस ने अब चाल चली। तमस ने उसके हाथ से निकल रही रोशनी से राम के शर्ट फाड़ दी। बर्फ में पाइट करने का मजा ही कुछ और है। तमस ने सोचा कि बर्फ की ठंडी में राम परेशान हो जाएगा, पर तमस कहां जानता था कि राम के अंदर यति की शक्तियां थी। राम को बर्फ से या उसकी ठंडक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कृष्णन एक पल के लिए परेशान हुआ, पर जैसे ही राम ने पाइट के वार किए, कृष्णन के साथ साथ तमस भी हैरान हो गया, क्योंकि राम को ऐसी बर्फीली ठंडी में बिना शर्ट के पसीने छूट रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तमस जान गया कि राम कोई साधारण योद्धा नहीं है। तमस को अगर बाला को खुश करना है तो राम को मारना होगा, और राम जैसे योद्धा को मारना है तो उसे हर मुमकिन काले पाइट का उपयोग करना होगा। दूसरी ओर काराकोरम के हरे शिखर पर घर में बाला कुछ और ही कर रहा था। बाला ने अपने घर में एक अजीब सा यंत्र बना रखा था, और उस यंत्र के पास एक नक्शा था। बाला उस नक्शे पर कोई काली विद्या आजमा रहा था। शून्य शक्ति हासिल किए हुए योद्धा को शोभा ना दे, वैसा काम करते वक्त बाला के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। बाला ने उस नक्शे पर एक भस्म डाला, और जैसे ही उसने भस्म डाला, शुद्धिपुरम में एक घर में चोरी हो गई। बाला ने अपने घर में शुद्धिपुरम का नक्शा बनाया था, और उस अजीब से यंत्र की वजह से वो शुद्धिपुरम में हो रही सभी गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा था। शुद्धिपुरम के साथ बाला करूर गांव और उसके जंगल को भी काबू में कर रहा था। बाला ने ही मुरुगन को कठपुतली बनाकर राजशेखर परिवार की हालत की, और पूरे शुद्धिपुरम को वो नष्ट कर रहा था। लेकिन बाला ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो राम से अपने बेटे बीजू की मौत का बदला लेना चाहता था? बाला ये सब राम से मिलने के बाद कर रहा है, या फिर पहले से ही वो शुद्धिपुरम और करूर गांव को अपना निशाना बना बैठा था? आखिर क्या चल रहा था बाला के मन में? शुद्धि जंगल में रात को फिर से कनकी ने नरसिंह को कहीं जाते देखा। कनकी इस बार नरसिंह का पीछा पूरी सतर्कता से करने लगी। इस बार कनकी ने नरसिंह को अपनी नजरों से दूर होने नहीं दिया। कनकी ने देखा तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि नरसिंह शुद्धि जंगल में एक बड़ी सी कब्र खोद कर रखी थी। कनकी परेशान हो गई, आखिर नरसिंह क्या कर रहा है? कनकी इतना जानती थी कि नरसिंह इस शुद्धि जंगल में सुभद्रा के साथ था, और वहां नरभक्षी भी थे। शायद नरसिंह शुद्धि जंगल की कुछ ऐसी बात भी जानता हो जो वो नहीं जानती। पर नरसिंह कब्र में क्यों गया? कनकी को उसके सवालों के जवाब तुरंत ही चाहिए थे। कनकी ने नरसिंह के पीछे कब्र में जाने का निर्णय लिया, लेकिन फिर वो खुद ही रुक गई। कहीं ऐसा करके वो कोई गलती ना कर दे, पहले वो जान तो ले कि बात क्या है। कनकी उस कब्र के पास ही छुपकर बैठ गई। पूरी रात गुजर गई, पर नरसिंह बाहर नहीं आया। भोर हुई, कनकी का धीरज अब खत्म हो गया। कनकी ने उस कब्र में जाने का सोच लिया, पर तभी सामने से नरसिंह बाहर आया।
कनकी फिर से छिप गई। कनकी ने देखा तो नरसिंह एकदम सही सलामत उस कब्र से बाहर निकल रहा था और उसकी एक जेब अन्न से भरी हुई थी और दूसरी जेब में सिक्के थे। कनकी हैरान थी, कब्र में से अन्न और सिक्के। कनकी छुपी रही, नरसिंह वहां से निकल गया। नरसिंह के जाते ही कनकी उस कब्र के पास गई पर कब्र बंद हो गई थी। कनकी परेशान हुई, नरसिंह क्या कर रहा था। कनकी ने उस खंडहर में वापस जाने का विचार किया। आगे बढ़ते ही कनकी के पैर में कुछ लगा। कनकी ने देखा तो एक सिक्का था, शायद नरसिंह की जेब से यह सिक्का गिरा था। कनकी ने उस सिक्के को उठाकर देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि उस सिक्के पर शुद्धिपुरम की मोहर थी, लेकिन यह सिक्का थोड़ा अलग था। इस सिक्के में एक अलग ही चमक थी। कनकी नरसिंह से इस कब्र का सच जानना चाहती थी। उसने ठान लिया कि वो नरसिंह से ये बात पूछ कर ही रहेगी। महाद्वार के पास तमस के साथ लड़ाई में राम परेशान था, क्योंकि तमस एक अलग ही पाइट के वार कर रहा था जो राम की समझ से बाहर थे। अचानक तमस ने अपने हाथों से एक रोशनी बाहर फेंकी और राम को उस रोशनी ने घेर लिया। राम एकदम से सिकुड़ गया। क्या राम तमस के सामने जीत पाएगा? क्या कृष्णन राम को तमस के इस जाल से बाहर निकाल पाएगा? क्या गोपाल राम की मदद करेगा? बाला क्यों शुद्धिपुरम को बर्बाद करना चाहता है? क्या कनकी नरसिंह से कब्र का सच जान पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।